नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल गोसी फार्मर में। ये देखिए, देख सकते हैं आप अपना जीटर 2011 RS चल रहा है जतरे के ऊपर। परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं दोस्तों, जतरा कितना भर के चल रहा है। और दोस्तों 1971 मॉडल ट्रैक्टर है, 40-50 साल इसे हो भी गए हैं अभी। और अभी इस पर हमें पेंट भी करवाना है, फाइबर छतरी भी लगवानी है इस ट्रैक्टर पर। और इंजन गेयर बॉक्स का तो आज भी पक्का है ट्रैक्टर। ये देख सकते हैं ब्रेक्स पर कैसे वहीं का वहीं घूम जाता है पूरा। ब्रेक भी आज भी इसके प्रेशर ब्रेक पूरे अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। परफॉर्मेंस आपके सामने है दोस्तों, क्या ज़बरदस्त चाल है ट्रैक्टर की आज भी दोस्तों। परफॉर्मेंस के मामले में एक नंबर पे रहता है ये, मील में भी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस टॉप पे रहती है इसकी। हमारे मील के अंदर बहुत लोग देखने आते हैं इसे। और ये हमारे बाबा ही ने लिया था दोस्तों, जीटर 2011 इम्पोर्टेड है दोस्तों। ये ट्रैक्टर अपना चेकोस्लोवाकिया से इम्पोर्टेड है ये। उस टाइम ये चेकोस्लोवाकिया से पानी के जहाज के थ्रू आते थे हिंदुस्तान के अंदर, हैदराबाद से लखनऊ आते थे, लखनऊ से फिर हमारे बाबा जी ने लाए इस ट्रैक्टर को, चला के ही लाते थे दोस्तों पहले। परफॉर्मेंस देख सकते हैं आज भी जतरे में कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है ट्रैक्टर, बहुत ही शानदार चाल है दोस्तों आज भी ट्रैक्टर की। और हाइड्रोलिक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वर्क कर रही है ट्रैक्टर की दोस्तों। 7-7.5 फुट का जतरा होगा ये, और देखिए कितनी ज़बरदस्त चल रहा है यहाँ पे, कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ट्रैक्टर अपना। और दोस्तों मैं इस ट्रैक्टर की स्पेसिफिकेशन आपको बता दूँ तो इस ट्रैक्टर में कंप्रेसर आता था 1971 के अंदर ही। आप अपने चारों टायर में ट्रॉली में एयर भर सकते थे, टायरों में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, हवा आराम से भर सकते थे। कहीं भी आपका कभी भी कोई पंचर हो जाए, अपना हवा भर के अपना ट्रैक्टर ट्रॉली कहीं भी ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी इस ट्रैक्टर में। और दोस्तों 5 गियर 5+ रिवर हाई लो 12 गियरों में दोस्तों उस टाइम पे आता था अपना ट्रैक्टर। और दोस्तों इस ट्रैक्टर की एक और ख़ास बात है, इस ट्रैक्टर में जो आपको PTO मिलती थी वो आप कोई से गियर में PTO चला सकते थे, रिवर्स PTO, फॉरवर्ड PTO, अपनी गियर स्पीड PTO भी थी इसमें दोस्तों उसी टाइम पर, और लाइव स्पीड PTO भी थी, और अपनी इकोनॉमी PTO भी थी इसमें। इतने सारे फीचर दोस्तों इसमें 40-50 साल पहले आ गए थे जो कि आज भी ट्रैक्टर कंपनियां नहीं दे पा रही हैं। और दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की, तो दोस्तों जो इसका हाइड्रोलिक पंप है वो अपना गियर बॉक्स के अंदर ही आता है इस ट्रैक्टर के अंदर, और इसी वजह से इसकी हाइड्रोलिक भी बहुत बढ़िया वर्क करती है, बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करती है दोस्तों। हाइड्रोमेटिक टेक्नोलॉजी के अंदर इसकी हाइड्रोलिक्स है, और हाइड्रोलिक्स का लीवर से हम इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसका पंप, तो जो अपना इसका 3-पॉइंट लिंकेज सिस्टम है पूरा ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दोस्तों बात करें इसके हाइड्रोलिक की, तो इसमें आपको मिलते थे 2 लीवर, एक लीवर हमारा ड्राफ्ट पोजीशन कंट्रोल दोनों काम करता था, और एक हमारा प्रेशर ट्रॉली का सारे अपने इक्विपमेंट जो भी चलाने होते थे प्रेशर के हाइड्रोलिक्स के, वो सब एक्सटर्नल वो आराम से आप चला सकते थे। और दोस्तों आप इस ट्रैक्टर की एक और आपको ख़ास बात बता दूँ, इस ट्रैक्टर को आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं आगे से लेके पीछे तक, आप इस ट्रैक्टर की चौड़ाई घटा बढ़ा भी सकते हैं, और जो इसकी ऊंचाई है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ये फीचर्स आज भी कोई भी कंपनी नहीं दे रही है, ना न्यू होलैंड ना कुबोटा, कोई भी कंपनी नहीं दे पा रही है जो फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर 1971 में आते थे। और ये हमारे चाचा जी बैठे हैं रामवीर सिंह, इन्हें भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, बचपन से ही इन्होंने जीटर ही चलाया है दोस्तों। हमारे घर में पहले से ही जीटर रखे गए हैं, सबसे ज़्यादा हम जीटर ही यूज़ करते हैं स्टार्टिंग से ही, हमने अन्य ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा कम चलाए हैं, जीटर के ही हम फैन हैं दोस्तों। जीटर सबसे ज़बरदस्त ट्रैक्टर लगता है हमें, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स हैं, किसान के हित का ट्रैक्टर है दोस्तों ये। कल्टीवेटर पे, हैरो पे, अपना पानी, पहले दोस्तों बिजली नहीं आती थी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी, तो ये ट्यूबवेल्स पर भी चलते थे अपने ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स पर अपना इकोनॉमी PTO पे करके बढ़िया चलते थे दोस्तों, और अपना ट्यूबवेल बढ़िया चलाते थे। पहले पानी की बड़ी समस्या होती थी, और अपना जनरेटर का भी बहुत बढ़िया वर्क करता है ये दोस्तों। ये ट्रैक्टर अपना 2 सिलेंडर में है, 25 हॉर्स पावर, और परफॉर्मेंस आपके सामने है। अगले टायर 6/16 में आते हैं इस ट्रैक्टर के, और पिछले टायर 12/4/28 के हैं। और हाइड्रोलिक्स की परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं आपके सामने है, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज भी। बैक की चाल आप देख सकते हैं, बहुत ही कम RPM पे इसकी बहुत बढ़िया चाल है बैक की भी दोस्तों, बहुत ही मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर है दोस्तों ये। और हमारे चाचा ने बहुत शौक से रखा हुआ है आज भी, और अभी इस पर पेंट वगैरह भी करवाएंगे, पेंट बढ़िया वाला 2K पेंट होगा दोस्तों इस पर।
और अपना फाइबर वुड भी लगेगा इस पे ट्रैक्टर पे। यह आप देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस है ट्रैक्टर की आज भी। और भी मैंने और वीडियो बनाई हुई है, वो मैं इसके साथ ऐड करके आपको शो करूँगा। तो अभी चाचा जी से पूछेंगे कि कितने दिन से इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों चाचा जी से पता करते हैं, जैसे जीटर 2011 RS शुरुआत से ही चला रहे हैं, तो इन्हें कैसा लगा ये ट्रैक्टर? हाँ जी चाचा जी, बंद कर दीजिए आप ट्रैक्टर एक बार। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप, जरा बताइए। हमारा नाम है रामवीर सिंह। हाँ जी, ग्राम फतेहपुर बागपत के रहने वाले हैं। तो जैसे आप शुरुआत से ही जीटर ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो इसमें आपको क्या खास बात लगती है कि आप जीटर ही पसंद करते हैं? हमने तो जन्म से ही जो है जीटर चलाया है। अच्छा, जन्म से कैसे, मतलब आप थोड़ी कहानी बताइए शुरुआत से, कैसे कैसे आप जीटर रखते हैं शुरुआत से ही? हमारे पापा भी जो है इसको ही रखते थे। अच्छा, आप एक बार ये बताइए, हमारे घर में ट्रैक्टर कब से आ गया था, कौन से सन से हमारे घर में ट्रैक्टर है? हमारे घर में जो है सन 68 से जो है ट्रैक्टर है। सन 68 से? तो 1968 से, तो उस टाइम से ही हम जीटर रखते हैं। जीटर भी रखते हैं और भी रखे, पर और में हमें कोई मजा नहीं आया। अच्छा, जीटर ही ज़्यादा रखे हैं हमने। तो जीटर का सबसे ज़्यादा, जैसे आप अभी 2011 RS ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो इसमें और दूसरे ट्रैक्टरों में क्या फ़र्क लगता है आपको? इसमें तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो कि आज भी कंपनियां नहीं दे पा रही हैं टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी। तो कुछ टेक्नोलॉजी किसके बारे में बताइए, क्या क्या टेक्नोलॉजी है इसमें? डबल क्लच है। डुअल क्लच उस टाइम से ही आता है दोस्तों, 1971 से ही इसमें डुअल क्लच है। रिवर्स पीटीओ, ग्राउंड स्पीड पीटीओ, गेयरों में पीटीओ चला सकते हैं, लाइव स्पीड पीटीओ चला सकते हैं। गेयर आगे को चलने के उतने पीटीओ के हैं, उतने ही पीटीओ के हैं। और लाइव स्पीड अपनी जो 540 चक्कर अपने जो रूटावेटर पे वर्क करते हैं, वो भी हम इस पे ले सकते हैं। बिल्कुल चलाता है हम इसको, 6 फुटी रोटरी चलाता हूँ। अच्छा, 6 फुटी रोटरी भी चलाई है आपने इस पे? हाँ जी, वो भी मैं वीडियोस में ऐड करूँगा, 6 फुटी जो आपने रोटरी चलाई है इस ट्रैक्टर पे। और भी इसकी खास बात बताइए, जैसे कि आगे से भी पूरा एडजस्ट हो सकता है, पीछे से भी एडजस्ट हो सकता है, ये ऊंचा नीचा भी हो जाता दोस्तों है। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट दिए गए हैं। यहाँ से ये देखिए, आप इसकी ट्रैक्टर की ऊंचाई नीचाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्लॉट दिया गया है, यहाँ से ये ट्रैक्टर ऊंचा भी हो सकता है और नीचा भी हो सकता है। पीछे ट्यूब घूम सकती है, पीछे आपकी ट्यूब दिखा देता हूँ दोस्तों। इस ट्रैक्टर में हब रिडक्शन सिस्टम आता है, ये देखिए, ये इसमें हब रिडक्शन है, ये आप अपने घुमा के इसे ऊंचा नीचा कर सकते हैं। और जो इसका 3-पॉइंट लिंकेज सिस्टम है दोस्तों, ये ऐसा 3-पॉइंट लिंकेज सिस्टम आपको किसी भी ट्रैक्टर में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल जो कि हमारे 3-पॉइंट लिंकेज सिस्टम आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए हमें हिच उतारना पड़ता है रूटावेटर चलाने के लिए। सब कुछ हमें उतार के जब जाके हमें रूटावेटर चलाना पड़ता है दोस्तों, पर इस ट्रैक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जतरा भी चल रहा है, हमें कोई भी हिच नीचे गिराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। साथ में हिच भी लगा हुआ है और अपना 3-पॉइंट लिंकेज सिस्टम पूरा वर्क कर रहा है, जतरा भी चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे अपना गुल्ला टांगने का भी बना हुआ है यहाँ पे, देखिए हिचिंग सिस्टम के लिए। और हिच भी आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों, घूमने वाला हिच आता था, हमने इसे वेल्ड करवाया है जिससे ये घूमे ना, उसमें हमें थोड़ी सुविधा की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से हमने ये यहाँ पे वेल्ड करवा दिया। और 3-पॉइंट लिंकेज सिस्टम आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है इसका, जब से ही ऐसा 3-पॉइंट लिंक के सिस्टम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 स्पाइल की पीटीओ दोस्तों उस टाइम पे आती थी 1971 में इसमें। और लोअर लिंक्स देख सकते हैं आप कितनी आज भी उतनी मजबूत है। और इसमें ये देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लिप टांगने के लिए उस टाइम से ही इसमें जगह आती है कि किसान अपनी क्लिप यहाँ पे टांग दे, कोई खोए ना क्लिप। क्लिप खोने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है किसानों को, उनके ट्रैक्टरों की लोअर लिंक्स की क्लिप खो जाती है। और ये देखें यहाँ पे लोअर लिंक एडजस्टेबल भी दिया गया है, और यहाँ पे देखिए स्टे बार भी दी गई है लोअर लिंक्स के लिए। और यहाँ पे जो RS की पहचान होती है दोस्तों, ये इसकी यहाँ पे देखिए सपोर्ट दी जाती है, ये इस ट्रैक्टर की RS की पहचान है। इससे क्या होता है, इसकी जो खिंचाई की जो अपनी कैपेबिलिटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और मजबूती भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके रिम आप देख सकते हैं, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आप चौड़ाई कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस ट्रैक्टर की। और अभी आपको इस ट्रैक्टर का कंप्रेसर दिखा देता हूं मैं, फ्रंट से आप लुक देख सकते हैं ट्रैक्टर का। और दोस्तों ये है इस ट्रैक्टर का कंप्रेसर, इस कंप्रेसर से आप आज तक चालू है, अब भी चल रहा है दोस्तों इसका जो कंप्रेसर है। और इससे आप चारों टायर में अपने ट्रैक्टर की हवा भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाइप लगाने का सिस्टम है, और चाची बता रहे हैं भरी ट्रॉली में
पूरी भरी हुई ट्रॉली गन्ने से उस निकल गई थी मेरी परसों। अच्छा अच्छा, तो मैं तो उससे भर ली। मतलब भरी हुई ट्रॉली भी भर देता है, भर देता है। मतलब पूरी तो कैपेबिलिटी है, कंप्रेसर मजबूत है आज भी पूरा। अच्छा, तो चाची जी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल टायर रोड स्टेयरिंग में आता था दोस्तों आरएस जो था अपना, ये बहुत ही हल्का स्टेयरिंग चलता है इस ट्रैक्टर का। और यहाँ पे इसकी डेट ज़्यादा है, इसकी कटाई भी ज़्यादा है। और डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं 5/10/1971, कोई मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 1971 मॉडल है दोस्तों आपके सामने है, जीटर की मार्का लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आज भी प्लेट, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लेट है, ये भी आज भी लगी हुई है, मेड इन चेकोस्लोवाकिया। ये देखो मेड इन चेकोस्लोवाकिया, बर्नो सिटी के अंदर ही मैन्युफैक्चर हुआ है। यहाँ पे देखिए बर्नो सिटी है, इस प्लेट पे सारे फंक्शन दिए हुए हैं। और ये जो प्लेट है दोस्तों कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये इसकी ओरिजिनल प्लेट है। यहाँ पे इसकी लिखा हुआ है कि कौन से गियर में ये अपना अपना ट्रॉली चलाता है, कौन से गियर में कल्टीवेटर चलाता है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों आज भी नहीं आई है कोई से ट्रैक्टर में। और यहाँ देखिए दोस्तों ये मीटर भी है यहाँ इसका, इसका मीटर में यही खास बात थी कि कितने आरपीएम पे आप देख सकते हैं कितनी स्पीड है किलोमीटर पर आवर की। और चाचा जी से पता करते हैं, इन्हें जैसे बचपन से ही जीटर ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो हाँ जी चाचा जी आपने जीटर से ही सीखा था ट्रैक्टर चलाना? जीटर से ही। जीटर से सबसे पहला ट्रैक्टर कौन सा चलाया था आपने जीटर का? गोल्ड सेफ का जीटर था, गोल्ड सेफ का, जो 1968 में जो मॉडल आते थे वही वाला आप कह रहे हैं मतलब। तो जैसे उस ट्रैक्टर में और इसमें क्या फर्क लगा आपको, जैसे गोल्ड सेफ वाला है और ये आरएस है? थोड़ी जगह में घूम जाता था। अच्छा, वो मैसी की तरह चलता था और ये थोड़ा लंबा ट्रैक्टर है, पर इसकी ट्रॉली की खिंचाई बहुत जबरदस्त है, कम तो उठेगा जब हाइट लंबी रहेगी इसकी। और वैसे भी ट्रॉली की खिंचाई में मतलब खिंचाई बहुत जबरदस्त है इस ट्रैक्टर की आज भी। हाँ जी, आपने कितने गन्ने भर के निकालने हैं इस ट्रैक्टर से ये बताइए हमें जरा, खेत के अंदर से 80-85 क्विंटल गन्ना उठा ले जाता है। अच्छा, 80-85 क्विंटल गन्ना पूरा दोपहिया में, दोपहिया ट्रॉली। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जीटर ट्रैक्टर अपना पसंद आया हो, जीटर 2011 RS 1971 मॉडल। हाँ जी अच्छा जी, और बता रहे हैं जॉइंटर डिफरेंशियल लोग है जी, ये डिफरेंशियल लोग दोस्तों आज भी इसका चालू है, बिल्कुल बढ़िया वर्क करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हाई लो का लीवर है, और ये है अपना पीटीओ लीवर, हाइड्रोलिक लीवर, और अपना हाइड्रोलिक कैसे ऑपरेट करनी है। और दोस्तों ये जो अपना हैंड ब्रेक है, ये आज भी अच्छे अच्छे ट्रैक्टरों में आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि कारों की तरह है बिल्कुल। 1971 में ये हैंड ब्रेक आ गया था दोस्तों इस ट्रैक्टर में। मैं तो यही सभी कंपनी से चाहता हूँ कि आज भी ये टेक्नोलॉजी हर ट्रैक्टर में आनी चाहिए, जो कि जीटर में 1971 से जब से ये पैदा हुआ है दोस्तों, जब से इस ट्रैक्टर में सारी टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं तो अर्जुन की दाल पेट में सीख लिया था। अच्छा, पेट में ही ट्रैक्टर सीख लिया था आपने अर्जुन की तरह, क्योंकि हमारे घर में जब शुरुआत से ही जीटर ही रहा है। और आप थोड़ा ये भी बताइए, हमारे जैसे बाबा जी आपके पास 1973 का मेरा जन्म है, 72 मॉडल ये ट्रैक्टर है, आपसे बड़ा है 1973 का आपका जन्म है और 71 अपना ये है मॉडल, 72 में इंपोर्ट हुआ था ये। तो एक बात ये भी बताइए, जैसे बाबा जी हमारे लाते थे ट्रैक्टर लखनऊ से चला के, तो उस टाइम जैसे नए ट्रैक्टर बिल्कुल आते थे, तो उस टाइम क्या मतलब डिमांड रहती थी ट्रैक्टरों की, कैसे गांव में कितने ट्रैक्टर होते थे उस टाइम पे? आता था पहले। अच्छा, पहले बुकिंग पे आते थे, कितने दिन की बुकिंग होती थी पहले? 2-3 महीने में नंबर आता था, 2-3 महीने की बुकिंग। मतलब दोस्तों जैसे आज के टाइम पे स्कॉर्पियो और थार की बुकिंग चलती है ना, उस टाइम पे इस ट्रैक्टर की बुकिंग चलती थी, 2-2 साल के नंबर लगते थे जब जाके इम्पोर्ट होते थे ये ट्रैक्टर। और बहुत ही कम लोगों के पास ट्रैक्टर आपको गाँव गुआंड में देखने को मिलते थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा जीटर 2011 RS पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।